दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कमेंट करके ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक अकाउंट्स के पार्ट टाइम जॉब और अकाउंट्स की फुल टाइम जॉब के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊं, जिससे कि हम जान सकें भी अकाउंट्स का फुल टाइम जॉब करने में और अकाउंट की पार्ट टाइम जॉब करने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा जो अकाउंटिंग वर्क करने का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अकाउंट्स की फुल टाइम जॉब भी मैंने करी भी है और अकाउंट्स के पार्ट टाइम वर्क भी मैंने किए हुए हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो आज की वीडियो है ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी अकाउंट्स का कोर्स है जो कंप्लीट हुआ है और वो अपनी जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, भी अब उनको भी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर फुल टाइम जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देख लेते हो तो जो जॉब को लेके आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर, वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अकाउंटिंग वर्क, चाहे आप उसको पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, जो अकाउंटिंग वर्क करने का जो तरीका है वो दोनों जॉब में ही बराबर है। अब हम बात करते हैं भी अकाउंट्स का फुल टाइम जॉब और अकाउंट्स के पार्ट टाइम जॉब में डिफरेंस क्या है, लोग फुल टाइम जॉब को ज्वाइन क्यों करते हैं, लोग पार्ट टाइम जॉब को एक तरफ ज़्यादा क्यों जाते हैं। तो आज इसी वीडियो पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फुल टाइम जॉब की। तो दोस्तों अब मान लीजिए अब आपका अकाउंट्स का कोर्स है जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और आपको एक ऐसी कंपनी ने हायर किया है भी जहाँ पर आपको अपना फुल टाइम है जो स्पेंड करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा अगर आप उस कंपनी में फुल टाइम जॉब ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करोगे तो वहाँ पर उसके जो अकाउंटिंग वर्क और उसके जो टैक्स कंप्लायंस है वो सारे आपको अपने हाथों से तैयार करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, बजाय अगर हम कंपैरिजन करें पार्ट टाइम जॉब के। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल नए हो तो अगर आपको फुल टाइम जॉब सबसे पहले मिल रही है तो आप पार्ट टाइम जॉब की तरफ मत जाइए, आप फुल टाइम जॉब को ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस जो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आने वाले 2-3-4 सालों तक। अब कई नए स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अर्निंग चक्कर में वो फुल टाइम जॉब भी ज्वाइन करते हैं और साथ में अपने पार्ट टाइम अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास 2-3-4 सालों का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करते हुए, तब आपको पार्ट टाइम अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए भी, आप अपनी एक्स्ट्रा अगर अर्निंग करना चाहते हो तब आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो, आपके पास अकाउंटिंग वर्क करने का इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आपको कोई टैक्स कंप्लायंस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है नहीं, तो आप कोशिश यही करो भी, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है भी आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम अकाउंटिंग वर्क के तरफ मत जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वर्क अपने हाथों से खुद करोगे, चाहे वो अकाउंटिंग वर्क है चाहे वो टैक्स कंप्लायंस है, जैसे कि GST रिटर्न तैयार करना है, TDS रिटर्न तैयार करना है, TCS रिटर्न तैयार करना है, इनकम टैक्स का फाइनल डाटा जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करनी है, अगर ये सारी चीज़ें खुद आप अपने हाथों से किसी फुल टाइम कंपनी में जॉब करते हुए 2-3 सालों के साथ आपने तैयार कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब की। तो दोस्तों देखो, पार्ट टाइम जॉब करना आपकी मजबूरी भी हो सकती है और जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उसकी भी मजबूरी हो सकती है। अब मजबूरी क्या हो सकती है इस बात को हम समझेंगे। अब मान लीजिए आपको किसी ऐसी कंपनी ने हायर किया है जहाँ पर भी आपको केवल पूरे दिन में से 2-3 घंटे ही टाइम अपना स्पेंड करना है, यानी कि अब उस कंपनी में आपका जो अकाउंटिंग वर्क है उसी को ही आपको कंप्यूटराइज करना है, और यानी कि उनका जो मैनुअल वर्क है वो पहले से कंप्लीट होता है उसी को आपको कंप्यूटराइज करना है। तो ऐसे में जो मैनुअल अकाउंटिंग वर्क है उसको आपको कंप्यूटराइज पोस्ट करना है तो ईजिली आप मतलब 2 घंटे में वर्क कर सकते हो। तो अब एक कंपनी का आपने 2 घंटे में वर्क कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम पूरे दिन का बच जाता है। तो अब इसके बाद आपके पास 2 चॉइस बचती है भी, या तो आप अपनी जो अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अब अगर आपने पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिया तो आपका जो भी पढ़ाई का है, जो एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं वो आपके पार्ट टाइम जॉब से पूरे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है भी आप जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भी कर सकते हो लेकिन अभी आपको जॉब की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में आप 1 या 2 मतलब कंपनी को और भी अपना हायर कर सकते हो, यानी कि उनकी जो पार्ट टाइम अकाउंटिंग वर्क है उनकी जो क्वांटिटी है वो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 1 से 2 कर सकते हो, 2 से 3 कर सकते हो, ये अब आपकी एफर्ट पर डिपेंड करता है।
लेकिन अब इसका जो डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का, अगर हम कंपैरिजन करें मतलब इनकम की, अब मान लीजिए आपको फुल टाइम जॉब के लिए जहाँ पर हायर आप किए हुए हैं जिस कंपनी में, अब मान लीजिए पर मंथ वहाँ पर आपकी 20,000 रुपये की सैलरी है, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप मान लीजिए भी 2 या 3 हज़ार रुपये पर मंथ उन मतलब कंपनी से आप लेते हो। मान लीजिए आप पूरे दिन में 5 अलग अलग कंपनी के आप वर्किंग करते हो पार्ट टाइम, तो हम टोटल अगर अर्निंग की बात करें तो 15,000 रुपये की अर्निंग आपके पास हो रही है और फुल टाइम में आपके पास 20,000 रुपये की हो रही है। लेकिन अब ये अर्निंग कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी, अब ये डिपेंड ये करेगा भी आपके वो एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में आपकी ग्रो होने के जो चांसेज है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पर आप फुल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर जो अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग है वो वहाँ पे खुद मेंटेन हो रही है, तो ऐसे में आपके पास जो डिसएडवांटेज आपका इसका यही रहेगा कि आपको जो मैनुअली जो रिसिप्ट कैसे तैयार हो रही है, इनवॉइस कैसे बन रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों से आपने तैयार नहीं किया, वो आपको रेडीमेड तैयार करे करे मिले थे, उनको आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा अकाउंटिंग का या फिर उसके टैक्स कंप्लायंस का जितना आपको किसी कंपनी में फुल टाइम रहते हुए जो मिलेगा। तो अब अर्निंग करें, एक अर्निंग आप मतलब पार्ट टाइम जॉब करके 15,000 रुपये कमा रहे हो और एक आप फुल टाइम जॉब करके भी 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो पार्ट टाइम जॉब करने में आपको जो एडवांटेज अब हुई है भी आप अपना साथ में अगर आप कोई कंपिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर आप कर रहे हो तो वो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन फुल टाइम जॉब के अंदर आपके पास जो एक्स्ट्रा जो टाइमिंग है तो वो भी आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा भी आप उसमें से फुल टाइम में से कितना टाइम अलग से निकाल के आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन जो वर्किंग हैवर है कंपनी की तो पूरा दिन आपको वहाँ पर उस कंपनी में ही रहकर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास दो चॉइस बचती है भी, आप पढ़ाई के साथ खर्चा भी खुद निकालना चाहते हो तो पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा सकते हो, या आप लगता है भी आपको अभी मतलब फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है वो आप एक्स्ट्रा टाइम रहते हुए अलग से मेहनत करते भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम अभी कोई कंपटीशन की तैयारी आप नहीं करते हो तो आप अपने पार्ट टाइम मतलब जॉब के साथ अकाउंटिंग वर्क है उनको और ज़्यादा उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, तो ऐसे में आप अपनी जो पार्ट टाइम की जो अर्निंग है वो आप इनक्रीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके पास दो चॉइस बचती है, या आप फुल टाइम जॉब की तरफ जाना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाना चाहते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो पार्ट टाइम और जो फुल टाइम जॉब को लेके जो सस्पेंस है वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई देने की। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप की और वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।